चाय एक ऐसी ड्रिंक है जो भाषा और संस्कृति को पीछे छोड़ के एक गरम चाय की कटिंग पर लोगों को जोड़ती है। पेश है चाय की 3 रेसिपीज आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन में मदद करने और आपको अंदर से मजबूत बनाने। पानी उबालने से शुरू करें। इसमें थोड़े तुलसी के पत्ते, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च डालें और बॉईल करें। तुलसी सर्दी खांसी से लेकर तनाव दूर करने के काबिल है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटोरी गुण होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, और दालचीनी में मौजूद एंटी फंगल गुण इन्फेक्शन को दूर रखते हैं और चाय को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। काली मिर्च एक दमदार एंटीऑक्सीडेंट है और पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में मदद करती है। इसे कुछ मिनटों तक बॉईल करें जब तक पानी का रंग बदल कर खुशबू आने लगे। अब चाय पत्ती डालें। हर एक कप पानी के लिए एक चम्मच चाय पत्ती। बॉईल हो जाने के बाद तेज आंच पर ही हम दूध ऐड करेंगे ताकि हमें कलर चेंज होता दिखे। ऐसा करने से हम ये समझ पाएंगे कि कितना दूध इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर और बॉईल करने के बाद आंच पर से हटा दें। हमने मिठास के लिए गुड़ इस्तेमाल किया है। ये न्यूट्रिएंट्स से भरी चाय आपको अंदर से गर्माहट देगी। थोड़े से पानी में इलायची और दालचीनी डालें। इलायची एक बढ़िया माउथ फ्रेशनर होने के साथ ही सीने में जलन और IBS जैसे पाचन की तकलीफों से राहत दिलाती है। खाने के बाद दालचीनी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारती है। अब डालें चाय पत्ती। इसे ज्यादा देर तक ना उबालें। ऐसा प्यारा गहरा रंग आने के बाद आंच को बंद कर दें। इस चाय में दूध नहीं डलती। इसमें आप जरा सा केसर भी डाल सकते हैं। आखिर में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। ये भी पाचन क्रिया में मदद करता है। आप चाहे तो इसे मीठा बना सकते हैं। ये चाय साउथ इंडिया में प्रसिद्ध सुलेमानी चाय से प्रेरित है, जो हैवी बिरयानी से भरे भोजन के बाद पी जाती है। फिर एक बार इंग्रेडिएंट्स को पानी में उबालने से शुरू करें। हम लेमन ग्रास को मनमोहक खुशबू और तेज स्वाद के लिए ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पुदीना, जो ना सिर्फ ओरल हाइजीन में मदद करता है पर रेस्पिरेटरी तकलीफों को कम करता है। थोड़ा सा अदरक, जो बेहतरीन स्वाद देता है और तनाव कम करता है। अब थोड़ा सा खुशबूदार चाय मसाला डालेंगे। इसके लिए आप हमारे होममेड मसाला सीरीज में से चाय मसाला वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्लेवर्स को इन्फ्यूज करने हम इसे थोड़ी देर बॉईल करेंगे। अब चाय पत्ती डालेंगे। हम इसे बॉईल होने देंगे ताकि स्वाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सके। चाय को गर्म लिक्विड में उबालने से इसके पोषक तत्वों में मजबूती आती है। अब जरा सा दूध मिलाएं। हमें कम दूध वाली स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। इसकी एक चुस्की आपकी सुबह तरोताजा कर देगी। चाय में मेटाबॉलिज्म सुधारने, तनाव को कम करने और दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करने जैसे अनगिनत गुण हैं। तो अपनी चाय की चुस्की मजे से ले, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए अच्छी है। Until next time, stay tuned and stay glamorous.